तुला राशि वालों 31 अगस्त है, शनिवार का दिन। आज शनि त्रयोदशी है। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर आज गोचर कर रहा है। बड़ा ही प्रभावशाली होकर आपकी जीवन को प्रभावित कर रहा है। पुष्य नक्षत्र और शनि के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है। बड़े भाग्यशाली आप हैं। शनि का गोचर पुष्य नक्षत्र में आपकी जीवन में अनेक प्रकार के अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि आज आपकी कुंडली पर राहु, केतु और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रभावशाली जीवन आपके भाग्य को और भी तेज गति देगा। आज चंद्रमा बलवान होकर आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर बुध के साथ गोचर कर रहा है और भाग्य भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है। वहीं आपकी कुंडली पर बृहस्पति अष्टम भाव पर गोचर करते हुए आपके जीवन में सफलता हासिल करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। आज आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर सूर्य का गोचर और द्वादश में केतु और शुक्र का गोचर हो रहा है। बड़ा ही लाभकारी योग है, क्योंकि आपकी कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का गोचर उच्च का होकर शनि आपकी कुंडली पर इस समय गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से काफी लाभ, सफलता, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की स्थिति आज आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर बहुत ही मजबूत है। कर्म का स्वामी चंद्रमा जब कर्म स्थान पर गोचर करता है, तब आपके जीवन में प्रभाव आपका बढ़ता है। प्रभावशाली जीवन, संतान की उन्नति और आपकी व्यापार नौकरी में धन लाभ का योग बनाता है। अनेक प्रकार के सुखों का भोग करके जीवन में आप तरक्की उन्नति प्राप्त करते हैं। आज आपकी जीवन की चिंता दूर होगी। आपकी कुंडली पर बनने वाला भाग्य भाव पर मंगल का गोचर काफी लाभकारी है, क्योंकि मंगल धनेश है। धनेश जब भाग्य भाव पर गोचर करता है, धन का स्वामी, तो आपके जीवन में आमदनी भी बढ़ती है, परिश्रम से भाग्य फल की प्राप्ति भी होती है। एक बेहतर संभावना आपकी जीवन की स्थिति परिस्थिति को बदलता है और शनि के प्रभाव से जीवन शुभ फल प्राप्त करने का उत्साह को बढ़ाता है। आज दिन काफी लाभकारी और प्रभावशाली है, क्योंकि आपकी कुंडली पर शुक्र राहु से प्रभावित होकर केतु के साथ गोचर कर रहा है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। केतु के साथ शुक्र का गोचर, उसके ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। राहु आज आपकी कुंडली के छठे भाव पर गोचर कर रहा है और लग्न के ऊपर आज मंगल का भी प्रभाव है और बृहस्पति का भी प्रभाव है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी जो आपके लिए काफी लाभकारी और प्रभावशाली होगा। काफी धन कमाने का अवसर मिलेगा। किस्मत का साथ भी आपको प्राप्त होगा। आपके सारे कार्य सफल होंगे। अनेक प्रकार के कार्य सफलता से आपके पूरे होंगे। आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी होगा। कारोबार आपका अच्छा चलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दिन की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि जब दिन की शुरुआत होगी उस समय पुष्य नक्षत्र का शनि त्रयोदशी तिथि को आपके जीवन में सफलता का योग लेकर आएगा, आपके जीवन में धन कमाने का साधन देगा। आज भाग्य का साथ भी मिलेगा। जीवन खुशी से परिपूर्ण और परिवार में तरक्की और सुखता देखने को मिलेगा। अपने कार्य से सफलता भी पाएंगे। संपत्ति उन्नति की प्राप्ति भी करेंगे। भाग्यशाली भी आप होंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपकी मन की उलझनों को सुलझाता है, तरक्की उन्नति का रास्ता खोलता है और जीवन में सुख और धन धान की वृद्धि करता है। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करके अपने कार्य को आप बेहतर ढंग से पूरा करके मान सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं और बड़ी सफलता कामयाबी भी पाते हैं। काफी प्रभावशाली दिन है। मंगल का भाग्य भाव पर गोचर करना आपकी जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा। नई नौकरी, नया व्यापार, नए अवसर, नए मित्र और आपके जीवन में भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगा उसे अच्छे से निभाने में आप कामयाब होंगे। अनुकूल स्थिति आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। सकारात्मक परिणाम के साथ दिन आपके लिए उत्साह उमंग को बढ़ाने वाला
लाभकारी दिन है, आपके श्रेष्ठ कार्य का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। बुध के साथ चंद्रमा का गोचर कर्म स्थान पर होने से आपकी कुंडली का सुख स्थान बुध और चंद्रमा की दृष्टि से प्रभावित है। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपकी कुंडली के सुख भाव पर है और राहु बुध के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। ऊर्जा उत्साह से भरा प्रभावशाली दिन आपके लिए मनचाही सफलता, बड़ी कामयाबी, तरक्की और सौभाग्य प्रदान करेगा। आज का दिन काफी लाभकारी है, सोच समझकर काम करेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, तरक्की उन्नति होगी, लाभ धन की प्राप्ति होगी। किस्मत आप पर मेहरबान है, आप बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव पुष्य नक्षत्र में सुख देता है और शाम 7:39 के बाद अश्लेषा नक्षत्र का बुध जो आपकी कुंडली के कर्म भाव पर गोचर कर रहा है, भाग्य भाव का स्वामी है, आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, जहां आपके जीवन में सुख भी होगा, संपत्ति भी होगा, धन लाभ भी होगा और बड़े बदलाव के साथ अपने जीवन में आप बहुत सुख है सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। आज शनिवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र में शनि के प्रभाव से दिन आरंभ हुआ है और शनि त्रयोदशी के साथ शनि प्रदोष है, जिसके कारण दिन काफी प्रभावशाली है और शनि पूर्वाभाद पर नक्षत्र में बृहस्पति से प्रभावित होकर आपकी कुंडली के पंचम भाव पर गोचर कर रहा है। निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी जीवन की स्थिति बदलेगी, भाग्यशाली आप होंगे, संपत्ति उन्नति सौभाग्य की प्राप्ति होगी, गृहस्थ जीवन बेहतर होगा, कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे होंगे और भाग्य आपका चमकेगा, ऐसा योग है। अपने कर्म से अपने भाग्य से सुख पाएंगे, इज्जत शोहरत मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर काम को चतुराई से करके सफलता कामयाबी का सुख प्राप्त करेंगे। आज पश्चिम दिशा की तरफ आपका भाग्योदय होगा, पश्चिम दिशा की तरफ किस्मत आपकी चमकेगी, अनेक प्रकार की उपलब्धि और सुख की प्राप्ति होगी, नौकरी व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता, नए काम की शुरुआत, परिवार का सहयोग, काफी बदलाव के साथ आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 3 होगा। राहु काल 9:10 से 10:45 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। 31 अगस्त शनिवार का दिन, आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में शनि के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है। शनि पंचम भाव में बैठकर आज आपकी जीवन की बाधा को दूर करेगा, तरक्की का अवसर, जीवन में सुख है और कुछ नया करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। पुष्य नक्षत्र का शनि भाग्य को बदलता है, पुष्य नक्षत्र का शनि जीवन में सुख देता है, पुष्य नक्षत्र का शनि आपको भाग्यशाली बनाता है, जिसके प्रभाव से आपकी जीवन में बड़ी उपलब्धि और सफलता देखने को मिलता है, परिवार में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होता है और गृहस्थ जीवन का सुख भी पाते हैं, कर्म भाग्य से तरक्की उन्नति भी होती है और आपकी जीवन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है। आज का दिन प्रभावशाली दिन है, क्योंकि आज भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, चंद्रमा बुध के साथ आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है, चंद्रमा उच्च का होकर कर्म भाव पर बैठा है, वहीं बुध का गोचर कर्म भाव पर होने से भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा कर्म का स्वामी है तो बुध आपके भाग्य का स्वामी है। आज 7:39 अश्लेषा नक्षत्र और बुध का प्रभाव, बुध के प्रभाव से सकारात्मक स्थिति आपके जीवन में काफी लाभ लेकर आएगा, प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, आपके जीवन में
नए कार्य करने में आप सफल होंगे, भाग्यशाली भी होंगे, तरक्की उन्नति भी आपके जीवन में होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी आप करेंगे। दिन काफी प्रभावशाली है, शनिवार का दिन है, आज का दिन काफी लाभ और सुख लेकर आया है। शनि का मित्र बुध आपके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। आज आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर केतु शुक्र का गोचर है, जबकि कर्म स्थान पर बुध चंद्रमा का गोचर, आपकी कुंडली के पंचम भाव पर शनि का गोचर, भाग्य स्थान पर मंगल, अष्टम भाव पर बृहस्पति, छठे भाव पर राहु और लाभ स्थान पर सूर्य के गोचर करने से दिन आपके लिए काफी प्रभावशाली होगा। तो आज पश्चिम दिशा की तरफ आप दिन आरंभ करें। दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से करने से आप भाग्यशाली होंगे, सफलता मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आज का दिन आपके लिए ग्रहों की स्थिति भाग्य को चमकाएगा और अपने मेहनत से आप जीवन में बड़ी सफलता सुख की प्राप्ति करेंगे। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 3 होगा। और आज अमृतकाल 12:48 से 2:31 है। अमृतकाल के समय जीवन की रुकावटें दूर होती है, तरक्की और भाग्य का साथ मिलता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:56 और ब्रह्म मुहूर्त 4:29 काफी प्रभावशाली होगा। राहु काल 9:10 से 10:45 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें तो दिन काफी लाभकारी है, भाग्यशाली योग है। आपकी कुंडली पर बनने वाला पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धन संपत्ति कमाएंगे, जीवन में बेहतर परिणाम और सुख की प्राप्ति करेंगे, कार्य आपके सफल होंगे और जीवन काफी लाभ और सुख प्रदान करेगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय।